हेलो एवरीवन वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं रिगार्डिंग द गेट 2021 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की तो आंसर की गेट 2021 की आ गई है चाहे आपने किसी भी गेट uh, के स्ट्रीम uh, का एग्जाम दिया हो इट मे बी बी इट मे बी एक्सेल इट मे बी कॉलोजी एंड इवॉल्यूशन सभी की जो है आंसर की आ चुकी है तो जो बातें मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन का आंसर गलत जो है टिक मार्क कर लेंगे तो जो बातें मैं कह रही हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनेगा सबसे पहले आपको काम करना है वो ये कि आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी है ये वो रिस्पॉन्स शीट है जो कि आप एग्जाम हॉल में सबमिट करके आए थे मतलब जिसमें कि आपका आंसर होगा ओके okay? यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा जो आंसर आपने एग्जामिनेशन हॉल में दिया था तो इसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है ठीक है ये रहा आपका पहला काम दूसरा काम क्या होगा दूसरा काम है ये पोर्शन आपको डाउनलोड करना है That is 2021 का क्वेश्चन पेपर भी आपको डाउनलोड करना है एंड आंसर की भी डाउनलोड करना है सो वॉट यू हैव टू डू आप इस पे इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कीजिए क्लिक करते ही जो है ये आपको एक न्यू पेज ओपन करके दे देगा जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ okay. तो आप देख सकते हैं ये पेज आपके सामने ओपन हो गया इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले दैट इज सेकेंड कॉलम में आपको इस तरफ पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है एंड सेकेंड आंसर की तो वॉट यू हैव टू डू अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लेकर चलू तो मान लेती हूँ मैं दैट इज योर मैं यहाँ पे लाइफ साइंस का एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम या फिर हम बायोटेक्नोलॉजी का ले लेते हैं ठीक है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का है तो मैं आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो है एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा दैट इज क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का ऑप्शन तो आपको यहां से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना है और ये रहा बगल में ही व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगी आंसर अब मैं इनका क्वेश्चन पेपर क्यों आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये रहा जो पोर्शन दैट इज फॉर क्वेश्चन पेपर के लिए ठीक है क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है ये देखिए अब क्वेश्चन पेपर में होगा क्या कि इनके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर वैरी कर सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर वैरी करेगा और आंसर की का आंसर की में जो ऑप्शंस होंगे ना जैसे कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ये भी वैरी करेंगे कहने का मीनिंग ये हुआ कि इनके क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है और उसका आंसर इन्होंने ए देके रखा है आपके पेपर में हो सकता है यही क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हो थ्री और जो ऑप्शन इन्होंने दिया है मान लीजिए इनका जो ए ऑप्शन है उसमें आंसर था ऑक्सीजन ठीक है तो हो ही सकता है कि आपके ए ऑप्शन में ऑक्सीजन ना हो आपके बी ऑप्शन ऑप्शन में जो है ऑक्सीजन हो तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आप डी ऑप्शन देखने के बजाय सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो है आंसर चेक करना है ए बी सी डी चेक ना करके आपको देखना है कि कौन सा आपने आंसर सही किया है और इस तरीके से जो है आपने जितना भी गेट का पेपर में क्वेश्चन अटेंड किया है उसका एक शीट बना लीजिए और उसके बाद उस शीट को अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच कीजिए आई होप जो मैं बातें कह रही हूँ आपको वो एक समझ में आपको ढंग से आ गया होगा जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के मैं पेपर पे क्लिक करती हूँ तो यू कैन सी ये रहा पेपर ठीक है तो पेपर का क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन दिख रहा है साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसी के साथ इसका आंसर की भी डाउनलोड कर लेना है अब यहाँ पे जो आंसर की दिख रहा है इसका क्वेश्चन नंबर और जो कि दैट इज गेट ने खुद का क्वेश्चन पेपर दिया है उसका क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा वो डिफरेंट नहीं रहेगा लेकिन आपकी रिस्पॉन्स शीट का क्वेश्चन नंबर और इनका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर वो वैरी कर सकता है इवन इतना ही नहीं ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर है वो भी वैरी कर सकता है तो आपको पहला काम ये करना है कि इनके क्वेश्चन पेपर का कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसे आप एक पेपर में लिख कर रख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी अपने क्वेश्चन को टाली करने में ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जो है एक छोटा सा डेमो देकर दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जो आपको साइट से दैट इज गेट के वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर मिला है मान लीजिए बीटी का क्वेश्चन पेपर है ये ठीक है तो बीटी का क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर थ्री फोर फाइव ठीक है मान लीजिए जो क्वेश्चन पेपर गेट ने दिया है ये मैं आपके रिस्पॉन्स शीट की बात नहीं कर रही हूँ जो क्वेश्चन पेपर गेट ने दिया हो सकता है ऑप्शन वन सॉरी क्वेश्चन वन का जो है आंसर ए हो इसका सेकेंड का आंसर बी हो थर्ड का आंसर सी हो फोर्थ का आंसर ए हो हो सकता है ऐसे ये आपको आंसर कैसे पता चलेगा इन्हीं के थ्रू जो आंसर की दी गई है उससे मैच करके पता चलेगा तो इनके थ्रू दिया हुआ क्वेश्चन पेपर और इनके थ्रू दिया हुआ आंसर की उसको मैच करना आसान है लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा रिस्पॉन्स शीट इसके क्वेश्चन वैरी कर सकते हैं हो ही सकता है कि आपका ठीक है आपका जो क्वेश्चन नंबर वन है वो एक्चुअल में जो गेट का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वो क्वेश्चन नंबर थ्री हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी और दूसरा क्या होगा मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे बोला है कि विच इज एक्टिंग एज मॉलिक्यूल मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे दू ठीक है ऑप्शन वन था दैट इज दी ऑक्सीजन ऑप्शन टू था सल्फर ऑप्शन थ्री था आयरन ऑप्शन फोर था एल्यूमिनियम ठीक है ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर कैसे वैरी हो सकते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आया लेकिन हो ही सकता है कि यहाँ पे गेट के पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर वन हो और ये ऑप्शन आपको कैसे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर वन में आपको सल्फर लिखा दिखा दिखेगा ठीक है टू में जो है आयरन हो सकता है थर्ड में एल्यूमिनियम हो सकता है एंड फोर्थ में ऑक्सीजन हो सकता है और मान के चलते हैं कि चलिए कि जो ऑक्सीजन है दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑक्सीजन जो है ये है आपका आंसर तो आपके पेपर में आपको लगेगा कि आपका ऑप्शन नंबर वन सही है लेकिन आंसर की में वही क्वेश्चन का आंसर नंबर फोर दिया होगा तो अगर आप सिर्फ आंसर मैच करेंगे ना तो आप गलत आंसर मैच कर लेंगे इसीलिए कह रही हूं कि ये ऑप्शन ना देखकर एग्जैक्टली exactly देखिए कि आपने आंसर क्या पिक किया है वर्डिंग्स में देखिए कि आपने आंसर क्या किया है रेदर देन ऑप्शन नंबर चेक करने के ओके okay, तो इस ढंग से आपको अपना क्वेश्चन पेपर को चेक करना है इसीलिए सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप क्वेश्चन नंबर ढंग से देखिए और उसका आंसर देख लीजिए और इस तरह ढंग से जो है रिस्पॉन्स से आप टैली कर सकते हैं मेक श्योर sure ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ठीक है आपका ये टाइम लेगा जब आप क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हो तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और आपको बहुत ही शांत दिमाग से अपने क्वेश्चन को पूरा का पूरा टैली करना है और उसका आंसर लिखना है या फिर आप ये भी कर सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली जो है गेट के पेपर से भी टैली कर सकते हो जिससे कि थोड़ा सा टाइम कम लगेगा या फिर आप गेट के पेपर का पहला क्वेश्चन का पहला हिंट आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ये है और मैंने ये आंसर दिया है तो ऑप्शन को आपको मैच करना है ना कि ऑप्शन नंबर को अदरवाइज हो ही सकता है कि आपके क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर वन हो उनके क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर फोर हो लेकिन बात तो एक ही है कि उनका अगर फोर आंसर है और आपका वन आंसर है लेकिन आंसर तो करेक्ट है क्योंकि सही आंसर जो है ऑक्सीजन ही है लेकिन दोनों में ऑप्शन नंबर डिफरेंट दे के रखा है तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा और इस ढंग से जो है आप आंसर की को चेक कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे आपके लिए बी का पेपर भी अवेलेबल है इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का भी अवेलेबल है

जो, जो डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है सो आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे जो कि मैंने आपके सामने मेंशन किया है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पर है ठीक है इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो तो इस इन चीजों को जो है ध्यान से आपको पढ़ना है अदरवाइज आप गलत ढंग से जो है इवेलुएट कर लेंगे तो जो भी यहाँ पे mention है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इसे पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं आपको चैलेंज करने का जो डेट है वो इसके बीच में मिलेगा दैट इज सेकेंड टू फोर्थ मार्च मार्च जो होगा उसमें आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं एंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा तो जितने भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं एमएस क्यू एंड एमसी क्यू दोनों के लिए ही यहाँ पे सारे के सारे रूल्स मेंशन करके रखे हैं सो आई होप एवरीवन कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि आपको अपने पेपर को कैसे चेक करना है थैंक यू सो मच